पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली इस योजना को कैबिनेट में मिली मंजूरी। 5 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल दे रही है सरकार। लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। गरीब कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने वाली इस योजना को कैबिनेट में मिली मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन ट्वीट के जरिए बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इससे 81.09 करोड़ गरीबों को फायदा मिलेगा। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इससे 81.09 करोड़ गरीबों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान मार्च में किया गया था, तब इसकी अंतिम तारीख 30 जून तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? इसके तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त दिया जाता है, 1 किलो चने की दाल भी फ्री में मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93%, मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है। इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से ले लिया है। इस अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर तक कर दिया गया है। गरीब कल्याण अन्य योजना के इस विस्तार में सरकार ने 90,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किया है। अगर इसमें पिछले 3 महीने को खर्च जोड़ा जाए तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। योजना के विस्तार के बाद राशन कार्ड धारक नवंबर तक 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति फ्री में ले सकेगा। साथ ही प्रति परिवार को 1 किलो चने की दाल मुफ्त में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड धारक पहले से ही मिल रहे मौजूद कोटे का प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल पैसे देकर राशन दुकान से ले सकेगा। इस तरह नवंबर 2020 तक महीने में प्रति व्यक्ति कुल 10 किलो अनाज लाभार्थी राशन दुकानों से ले सकेगा। सरकार की ओर से मार्च माह में कहा गया था कि उनकी कीमत 27 रुपये किलो जो राशन की दुकानों के माध्यम से 2 रुपये किलो की रियायत दर पर मिलेगा और चावल की लागत 37 रुपये किलो है, लेकिन राशन की दुकानों के माध्यम से इसे 3 रुपये किलो की दर से खरीदा जा सकेगा। उज्ज्वला योजना का विस्तार, कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री LPG सिलेंडर योजना को लेकर हुआ है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री LPG सिलेंडर योजना का विस्तार किया है, यानी उनको आगे भी फ्री LPG सिलेंडर मिलता रहेगा। तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती है, जो इस साल जुलाई 2020 में ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो LPG सिलेंडर खरीदते हैं तो उन्हें EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है कि जिसमें आप LPG कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3200 रुपये की होती है, जिसमें 1600 रुपये की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1600 रुपये की रकम तेल कंपनियां देती है, लेकिन ग्राहक को EMI के रूप में 1600 रुपये की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही फ्री राशन योजना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।